हेलो एवरीवन, करना आज के लेक्चर की शुरुआत। यस सर, कल हमने चैप्टर नंबर सेकंड से शुरुआत किए थे जो कि सेक्रेटरी प्रैक्टिस का आपका चैप्टर नंबर सेकंड है और हमारे लिए फर्स्ट चैप्टर है। चैप्टर का नाम क्या है आपको याद है? हाँ, जॉइंट स्टॉक कंपनी सर लिखे हुआ तो है। ठीक है, जॉइंट स्टॉक कंपनी चैप्टर का नाम है। इसके अंदर अपन क्या पढ़ने वाले? सिर्फ कंपनी के बारे में पढ़ेंगे? नहीं ना सर, आपने हमको बताया था कि बिजनेस किस किस टाइप से अपन कंपनी बिजनेस मतलब किस किस टाइप से बिजनेस होता है। अकेला आदमी क्या कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकता है क्या? बिल्कुल। बिजनेस के अंदर लगने वाला पैसा क्या वो अकेला खुद ही लगाएगा क्या? यस, वो वाले टाइप ऑफ बिजनेस के अंदर क्या बोलते हैं अपन? सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न या सोल ट्रेडिंग कंसर्न। याद है, अकेला आदमी पैसा लगा रहा, डिसीजन भी पूरे अकेला खुद ही लेगा, जो प्रॉफिट होगा वो भी अकेले का जाएगा। पक्का पक्का। यस, इसके अलावा अपने और क्या देखा था ये पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर? जो आदमी पैसे लगा रहा है उसको सोल ट्रेडर भी बोला जाता है क्या? यस। उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहती क्या कि लिमिटेड रहती? लिमिटेड रहती क्या? अनलिमिटेड रहती सर। पहली बात तो लाइबिलिटी का मतलब बताओ। लाइबिलिटी का मतलब नहीं क्या फ्यूचर, कोई भी ऑब्लिगेशन जो फ्यूचर में आने वाली है अपने को? नहीं कि अपने को आप आपके अभी प्रेजेंट सिनेरियो के अंदर ऐसा समझ के चलो, अमाउंट जो अपने को फ्यूचर में पे आउट करनी है। अरे हाँ सर, हमने अकाउंट्स में देखा है, अकाउंट्स का लाइबिलिटी और ये लाइबिलिटी एक ही है, कुछ अलग अलग नहीं है। लाइबिलिटी मतलब लाइबिलिटी से रहता है, जो भी अमाउंट किसी भी व्यक्ति को फ्यूचर में देने की रिक्वायरमेंट आ रही है उसको बोला जाता है लाइबिलिटीज। तो लाइबिलिटीज के अंदर अपने दो बच्चे देखे थे क्या? यस। पहला बच्चा कौन था? बच्चा मतलब टाइप बोलता हूँ, ये मेरी बोलने की स्टाइल है। तो आपको पहला वो समझा था कि लाइबिलिटी के अंदर दो पार्ट्स आते थे। फर्स्ट वन वॉज लिमिटेड लाइबिलिटी, एक था अनलिमिटेड लाइबिलिटी। मैंने एग्जाम्पल लिया था वो मिल्क वाला, मेरी अगर मिल्क का बिजनेस है, मेरे मिल्क के बिजनेस से मतलब वो दूध पी के कोई ना कोई बीमार हो गया और उसने मेरे ऊपर केस कर दिया, कोर्ट ने डिसीजन किया, कोर्ट का डिसीजन आया कि सर को 20 लाख रुपये देना पड़ेंगे सामने वाले व्यक्ति को। मेरे बिजनेस में से कितनी वसूली हुई थी? 15 लाख रुपए, सारे का सारा बिल, क्या बोलते जगह को, वो मेरे ऑफिस तो नहीं बोलेंगे, जो भी मेरा शॉप थी उसको बेचने के बाद में और जो भी वहाँ पे आइटम को इंडिविजुअल आइटम को बेचने के बाद में 15 लाख रुपए रिकवर हुए थे। लिमिटेड लाइबिलिटी के केस के अंदर अब 20 लाख में से 15 लाख रिकवर हो गए, 5 लाख रिकवर होना बाकी है। तो वो केस के अंदर क्या 5 लाख अपन रिकवर करेंगे क्या उसे घर में से? नहीं। लिमिटेड लाइबिलिटी के अंदर लाइबिलिटी सिर्फ लिमिटेड रहती, कितनी वैल्यू तक लिमिटेड रहती? जो भी बिजनेस में से वसूल हुआ सिर्फ वहां तक ही लिमिटेड रहती। दूसरा रहता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी के केस के अंदर जितना बिजनेस में से वसूल हो रहा है उतना वसूल कर लो, असेट्स को बेचने के बाद में जितना भी पैसा आ रहा है वो रिकवर कर लो, बाकी का पैसा जितना बचा उसे घर पे जाओ, घर के जो 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 भी असेट्स आपको लगते हैं आपको बेचने हैं आप वो बेच सकते हैं। सर असेट्स बोला आपने, हाँ जो भी वस्तु है उसके लिए तो असेट्स ही होगी ना जो बिजनेस के अंदर है। ठीक है, वो आपको मार्केट में बेच दो और उसे पैसे रिकवर करो। पक्का पक्का, ये सब कुछ देखे थे क्या? अच्छा, ये पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर अपन पहला पॉइंट देखे थे कि सोल ट्रेडिंग कंसर्न, अकेला आदमी जब बिजनेस करता है तो वो कैसे करता है। उसके बाद में देखे थे अपन ने, सिंस अकेला आदमी हर जगह पे पहुंच नहीं पाता है, एक न्यू फॉर्म ऑफ आज उसका अपन देखेंगे, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। आपको थोड़ा सा याद दिला रहा, अभी तो मैं डिटेल बताऊंगा लेकिन अपन क्या 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 पढ़ने वाले थे अपन। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के अंदर क्या होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी वो पर्टिकुलर फैमिली वही का वही बिजनेस करते आ रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी वही पर्टिकुलर फैमिली वही बिजनेस करते आ रही है। जैसा मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, भगवान जी गोविंद जी खिलोसा का एग्जाम्पल लिया था, उनके दादाजी ने सपोजिंगली वो पर्टिकुलर बिजनेस स्टार्ट किया था, उनके दादाजी के बिजनेस को आगे बढ़ाया बाकी के बच्चों ने, आज वो बच्चे के जो भी बच्चे हैं मतलब दादाजी के जो पोते वो भी वो पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर बैठे हैं, राइट। तो इस फॉर्म ऑफ बिजनेस को बोला जाता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, और इसको मैंने बोला नाम दिया था क्या, इट हैपन्स ओनली इन इंडिया। ये सिर्फ ऐसी टाइप का फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे फॉर्म ऑफ बिजनेस है, बिजनेस का तरीका है, क्योंकि सिर्फ इंडिया के अंदर है। सर ऐसा क्यों? जॉइंट हिंदू मतलब जॉइंट परिवार भी तो इंडिया में पाए जाते हैं, फॉरेन के अंदर तो क्या फटाफट लोग अलग हो जाते हैं। इनफैक्ट ऐसा भी है कहीं तो भी, मतलब 18 साल के बाद में तो बच्चे अलग ही रह जाते, ऐसा रहते हैं कहीं ना कोई एक कंट्री के अंदर ऐसा क्या बोलते हैं रूल है, मतलब उनके पास दे आर फ्री कि वो अलग से रह सकते हैं, कहीं को रहते क्या बता, लेकिन ठीक है रह सकते हैं। उनके अंदर क्या है कि हर पेरेंट को अपने बच्चों को एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सम देना ही पड़ेगा और उसके ऊपर आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते। इनकेस अगर उन्होंने कोई रिस्ट्रिक्शन लगाया तो वो पर्टिकुलर चाइल्ड के पास में पावर है कि वो अपने पेरेंट को सू कर सकता। सू कर सकता मतलब क्या? अरे नहीं, 18 साल का बच्चा सू कैसे करेगा? अरे सू बोले तो वाला सू नहीं, सू मतलब केस करना। अपन ने क्या बोलता, आई विल सी यू इन कोर्ट, ऐसा बोलते हैं, सुना है आई विल सी यू इन कोर्ट ऐसे बोलते ना, लेकिन इट इज नॉट आई सी यू इन कोर्ट, इट इज आई सू यू इन कोर्ट, एस यू ई। आप गूगल पे सर्च करना, सू यू मतलब किसी के ऊपर केस करना रहता है। हाँ अरे ऐसे रहता है, आप गलत देख रहे मेरे को, अरे सच्ची ऐसे रहते बाबा।
कि वो वैसा वाला है तो उनके ऊपर वो सू कर सकते हैं, मतलब केस फाइल कर सकते हैं। लेकिन अपना अच्छा एंड है, अपना ऐसे नहीं रहता। अपने इसमें तो दादाजी के पोते तक, पोते दादाजी मरते भी कब, पोतों की शादी देखने के बाद में। अरे वाह कितना मस्त है अपना देश। दूसरा, अब मेरे को एक बात बताओ, अक्षर और मैं ये BMA चलाते हैं, BMA एक पार्टनरशिप फर्म है जो दो लोगों ने मिलकर साथ में चलाई है, चालू की है और आज भी रन कर रहे हैं। दो लोगों का पैसा लगे भाई, वो एक पढ़ेंगे अपन। दूसरा, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। सर अभी हमने बताया ना क्या, ये ऐसी वाली पार्टनरशिप है जिनके अंदर लाइबिलिटी उनकी लिमिटेड है। लाइबिलिटी मतलब पैसे देने की जरूरत, वो लिमिटेड है। ओके ओके ओके, अभी हम बता दे, अगर सपोजिंगली पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस, जैसे समझो BMA एक पार्टनरशिप फर्म है, BMA पार्टनरशिप फर्म है, और लेकिन वो लिमिटेड लाइबिलिटी वाली पार्टनरशिप फर्म है। BMA वैसे तो रेगुलर नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म है, लेकिन सपोजिंगली ये एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म है। एग्जाम्पल के लिए BMA एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, तो वो केस के अंदर अक्षय सर और मेरे से अगर कोई गलती हो गई और कोर्ट ने हमको बोला कि सर आपको पेमेंट देना पड़ेगा, आपको आपने कोई एक फ्रॉड कर दिया, वैसे तो हमने किया नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल के लिए हमारे के ऊपर कोर्ट ने ऑब्लिगेशन किया कि सामने वाली पार्टी को आपको 40 लाख रुपए का पेमेंट देना पड़ेगा। हमारे पास में सपोजिंगली कुल मिला के अक्षय और मेरे पैसे पूरे के पूरे मिला के 30 लाख ही निकल रहे हैं, पूरे के पूरे बिजनेस में। क्या मैं घर के असेट नहीं बोल रहा, ना अक्षय सर के घर पे जाएगा कोर्ट के आदमी, ना मेरे घर पे जाएंगे। सब कितना वसूल हो सकता है बिजनेस में से उतना ही वसूल करेंगे और बाकी का छोड़ देंगे। पक्का पक्का, यस। इसके बाद में अपन ने देखा था कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये आने के बाद में समझाऊंगा। दूसरा लास्ट था जॉइंट स्टॉक कंपनी। इसके बाद में अपन देखेंगे मीनिंग, डेफिनेशन एंड फीचर्स। फीचर्स कल याद है, फीचर्स मतलब मोबाइल के फीचर्स मैंने आपको बोला था। हाँ सर याद है, तो वो सब कुछ पढ़ेंगे। आखिरी में सबसे लास्ट वाला टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंपनीज, ये पूरे चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। कल अपन ने देखा था कंपनीज क्यों बनाए, वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था पहले, नहीं क्या लोग सब हैंडमेड बनाते थे, घर पे बनाते थे, फिर प्रोडक्शन कम कम होता था। लेकिन आफ्टर 1760 जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ इंग्लैंड के अंदर, उसने एक नीड महसूस हुई कि यार अब लार्ज स्केल प्रोडक्शन करने की जरूरत आ गई है। और सिर्फ लोकल मार्केट में भी सप्लाई नहीं कर रहे थे अपन, नेशनल इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी सप्लाई करना शुरू कर दिए थे, ऐसा कुछ तो भी देखे थे अपन ने। यस, उसके लिए ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा। ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए अपने को क्या रिक्वायर्ड थी, मशीनरी। मशीनरी की कॉस्ट, मशीनरी हायर वैल्यू की रहती थी, अकेले आदमी का दम नहीं रहता था। फिर लोगों ने क्या करा, लोगों ने क्या करा, तीन चार लोगों ने साथ में मिलके कंपनी को स्टार्ट किया। सर तीन चार लोगों ने मिलके साथ में कंपनी स्टार्ट किया, पार्टनरशिप फर्म नहीं कर सकते थे क्या? बाबा वो भी कर सकते थे, पार्टनरशिप फर्म भी वो चालू कर सकते थे, लेकिन उनको और भी ज्यादा पैसा चाहिए था। तो ऐसा ऐसा भी रहता है कि कभी आपको सिर्फ तीन या चार लोगों ने भी मिलकर चालू करने का है, तो वो कंपनी भी बना सकते हैं, पार्टनरशिप फर्म भी बना सकते हैं। इट्स अप टू देम कि उनको कैसे वो बिजनेस को चलाने का है। ठीक है, अपन वो सब देखे थे, ये सारा पॉइंट हुआ था। दूसरा अपन ने देखे कोई भी बिजनेस के अंदर ना, अच्छा ये वापस वही 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 आ रहा है, कोई भी बिजनेस के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट रहता है, ये सारे के सारे चीज़ को आप अच्छे तरीके से ध्यान में रखो। कोई भी बिजनेस के अंदर अपन आप क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला कितने लोगों ने वो पर्टिकुलर बिजनेस में पैसा लगाया, मतलब ये डिस्टिंक्टिव फैक्टर्स है। मतलब आप जब कंपेयर करोगे ना तीन चार बिजनेसेस को, तो ये इसके बेसिस पे कंपेयर करना। पहली चीज़ कितने लोगों ने पैसा लगाया है, अकेले ने लगाया तो सोल प्रोप्राइटर, दो या दो से ज़्यादा पार्टनरशिप फर्म, बहुत सारे लोगों ने कंपनी, समझा क्या? यस, दो से ज़्यादा 50 तक पार्टनरशिप फर्म बनती है, 50 के ऊपर उनको कंपनी बनानी पड़ती है। मैंने आई थिंक कल बताया था आपको, ठीक। उनका प्रॉफिट, प्रॉफिट कैसे शेयर होगा, ये भी एक मेन फैक्टर रहता है। उसके बाद में अच्छा ये मैं क्यों बता रहा हूँ बार बार क्यों बता रहा हूँ, द थिंग इज अच्छा ये मेरी पढ़ाने की स्टाइल ऐसी कि मैं जो कल का पहले पढ़ा था उसको एक बार का रिकॉल करते हैं, सो दैट ऐसा ना हो जाए अपन आगे आगे बढ़ते जा रहे पीछे के भूलते जा रहे, एक बार का शॉर्ट में रिकॉल कर देंगे। उसके बाद में बिजनेस के अंदर डिसीजन कौन करेगा, तो तीन चीज़, पैसा किसने किसने लगाया, प्रॉफिट कैसे कैसे बांटेंगे, और बिजनेस का जो प्रॉफिट हुआ वो किस में शेयर होगा, सॉरी डिसीजन कौन कौन लेगा। ठीक है, उनको क्या कोई सेपरेट एक्ट, एक सेपरेट कानून अप्लीकेबल है क्या, वो एक पॉइंट देखेंगे। उसके बाद में बिजनेस की सीक्रेसी कैसी है, बिजनेस के सीक्रेट्स कितने ज़्यादा रहते हैं। मेरे को एक बात बताओ, सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न के अंदर पैसे कितने लोगों ने लगाए हुए थे, अकेला एक ही आदमी ने पैसे लगाया था, तो उसके इसमें सीक्रेसी भी बहुत ज़्यादा रहती है। पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर पैसा दो या दो से ज़्यादा लोगों ने पैसे लगाया, तो अब मेरे को मेरे सारे के सारे बिजनेस सीक्रेट तीन या चार लोगों के साथ में शेयर करने पड़ेंगे, बरोबर है ना? तीन या चार लोगों के साथ में मेरे को वो मेरे सारे के सारे राज बांटने पड़ेंगे। आगे चल के ऐसे जन्मों जन्मों का नाता है क्या कि हर जिंदगी भर तक अपन साथ में रहेंगे? नहीं, थोड़े टाइम के बाद में जब पार्टनरशिप टूट जाएंगी तो बिजनेस के अंदर क्या अच्छे पॉइंट्स हैं, क्या नेगेटिव पॉइंट है, सबको पता चल जाएंगे, तो फिर कोई भी वो सारे पॉइंट्स का यूज़ कर लेगा। तो इस वजह से बोलते हैं कि पार्टनरशिप फर्म के अंदर सीक्रेसी थोड़ी कम है, सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न के अंदर ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? बिकॉज अकेला आदमी बिजनेस चला रहा है, वो पूरे के पूरे बिजनेस के जो सीक्रेट है अपने पास में रखेगा, बिकॉज
अगर कॉम्पिटिटर को पता चल गया तो इस वजह से पक्का पक्का। और जिसके लास्ट पॉइंट आता है लिमिटेड लाइब्रेरी। अब एक बार का पूरे के पूरे पॉइंट को घूरो मस्त भाई, घूरो मतलब देखो नंबर ऑफ, एक बार इस तरह हम बोलते आप कहते हैं हाँ बोलो, नंबर ऑफ पर्सन जिन्होंने पैसे लगाया है, दूसरा पॉइंट था प्रॉफिट कैसे शेयर होगा राइट, दूसरा पॉइंट था उसके बाद में डिसीजन मेकिंग का एक पॉइंट था, कोई सेपरेट कानून कोई अप्लीकेबल है क्या उनको, बिजनेस का सीक्रेसी, और लास्ट में लाइबिलिटी का सीजन का। ठीक है सर, समझ में आ गया, समझ में आ गया, पक्का पक्का यस। फिर अपन ने सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न के सारे पॉइंट देख लिए थे, ये सारे के सारे उसके बाद में फीचर्स देख लिए थे। इस जनरली सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न के अंदर अकेला आदमी है जो बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है। ए, सर बहुत बार हो गया अभी, चलो ना प्लीज़ आगे, एक्चुअली बहुत बार हो गया, मैं अभी आगे चलता हूँ फटाफट। ठीक है आज अपन चालू करेंगे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को कैसे समझ में आएगा, मैंने उसका नाम दिया हुआ इट हैपन्स ओनली इन इंडिया, ओनली इन इंडिया पढ़ते अपन। When a Hindu undivided family conducts a business inherited by it as per the Hindu law, it is called as joint Hindu family business. ये ऐसा type of business जो कि मिला है विरासत में मिला है, मतलब एक ऐसा form of business है जो कि विरासत में किसी लोगों को मिला है। When a Hindu undivided family conducts a business और वो पैसा operate होता है, जैसे अखिलोशिया का example, उनके दादाजी ने वो चालू किया था, आई थिंक वो 1964 से कभी उनका बिजनेस चालू है जहाँ तक मेरे को याद है, 1964 ही था, 1964 में उनके दादाजी ने वो शुरुआत की थी। और उसके बाद में उनके बेटे भी वो पर्टिकुलर बिजनेस करते हैं और उनके बेटे के बेटे भी करते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं वो ऐसे ही मैनर में होता है। इनफैक्ट मेजोरिटी जिसके अंदर भी दादाजी वाले होंगे ना, तो ऐसे टाइप से ही बिजनेस वो चलाते हैं। दादाजी ने बिजनेस स्टार्ट किया, उनके बेटों ने वो कंटिन्यू किया और आने वाले बी जनरेशन उसको आगे फर्दर कंटिन्यू करवाते हैं, अनलेस अंटिल वो डिवाइड ना हो। पक्का इसलिए इसी नाम बोला हुआ है हिंदू अनडिवाइडेड। अनडिवाइडेड मतलब ऐसी वाली फैमिली जो कि डिवाइड नहीं हुई है। इट एग्जिस्ट ओनली इन इंडिया, इट इज गवर्न बाय हिंदू सक्सेशन एक्ट। वो अलग पॉइंट आया दूंगा आपको, क्या इसको क्या स्पेशल कानून अप्लीकेबल है, क्या कौन सा कानून अप्लीकेबल है, ये हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। सर 1956 कहीं तो भी सुनने वाला लग रहा, कंपनीज एक्ट 1956 याद है वैसा, बोले हिंदू सक्सेशन एक्ट इसको अप्लीकेबल है, किसको अप्लीकेबल है, जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को। पक्का पक्का यस। अपन एक उसकी आपको मैं इमेज बताता, जैसा एक द सीनियर मोस्ट मेंबर, मतलब अगर कोई जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है उसके अंदर जो कि सीनियर मेंबर रहेंगे, जैसे ये केस के अंदर दादाजी हमारे, दादाजी इज द कर्ता, क्या कर्ता नहीं, कर्ता बोले तो द सीनियर मोस्ट फैमिली मेंबर इज नोन एज कर्ता ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। क्या बोला मैंने, द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज ऑल्सो नोन एज कर्ता ऑफ एच यू एफ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के जो सीनियर मोस्ट मेंबर रहेंगे उसको कर्ता बोलेंगे। सर फिर बाकी लोगों को करती, नहीं 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 करती नहीं, बाकी लोगों को सारे के सारे लोगों को पार्टनर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, को पार्टनर, मतलब ये छोटा चिंटू, चिंटू के मम्मी पापा, ये दादी, सर दादी को भी करता बोले, को पार्टनर बोलेंगे बिल्कुल, उनको करती नहीं बोलेंगे, ऐसा कुछ ही कुछ नहीं बोलना। देखो आज की तारीख में जो सीनियर मोस्ट मेंबर है वो करता हो गया, ठीक है, बाकी के सारे लोग को पार्टनर हो गए। सर हमारे को एक डाउट है, क्या डाउट है पूछो, दादाजी भगवान करिए आज ना कल गुजर जाएंगे, आप ऐसा मत बोलो, अरे मानो ना सर अभी सब यहाँ पे थोड़ा रहने आए, कभी ना कभी तो गुजरेंगे ना दादाजी, बोले हाँ गुजरेंगे दादाजी, समझो भगवान को प्यारे हो गए, दादाजी के जाने के बाद में कौन करता रहेगा। मैंने डेफिनेशन क्या बोली थी, द सीनियर मोस्ट फैमिली मेंबर इज द कर्ता ऑफ द फैमिली, बरोबर है, दादाजी चले गए, दादाजी की जगह पे कौन कर्ता बनेगा, ये दादी जी। सर तो उनको कर्ता बोलते थे, इनको करती बोलेंगे क्या, अरे नहीं हर केस में मेल हो या फीमेल हो उनको कर्ता का कर्ता ही बोलते हैं अपन। पक्का पक्का फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ आपको, क्या हुआ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के अंदर क्या बोलेंगे, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर क्या बोलेंगे अपन, ये दोनों बोल सकते हैं। हाँ आप जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस बोलो या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस बोलो, बात सेम ही है, ठीक है। इनकम टैक्स में HUF बोलते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इनकम टैक्स पर्पस में आप आगे पढ़ेंगे ना, इनकम टैक्स के अंदर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बोलते हैं। क्या पढ़े उसके अंदर, ये ऐसा वाला बिजनेस है जो कि एक फैमिली साथ में मिलकर उसको रन करती है। पक्का इट इज इनहेरिटेड वेल्थ। इनको क्या स्पेशल कानून अप्लीकेबल होता है क्या, यस, जिसका नाम है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। सर ये साल याद करने की जरूरत है क्या, किया तो अच्छा, नहीं किया तो भी अच्छा, ऐसा कोई इतना जरूरत नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे आते हैं उसके अंदर। अब अपन फीचर्स पढ़ेंगे, फीचर्स मतलब
हाँ सर याद है ना हमको, आप चलो ना आगे फीचर्स अभी पढ़ेंगे। किसके फीचर्स पढ़ेंगे अपन? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर। मतलब अगर आपको मैंने कभी पूछा कि बच्चा मुझे आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में बताओ, तो आप क्या बताएंगे? ये सारे के सारे फीचर्स। बगैर इनफैक्ट मैं जहाँ तक कुछ कुछ मेरे बच्चों को पहचानता हूँ, पर्सनली जानता हूँ, तो बहुत सारे फैमिली बिजनेस जैसे ये वाले मॉडल के ऊपर बेस्ड है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस के ऊपर, राइट? यस। फीचर्स पढ़ते हैं। द मेंबरशिप इन द जॉइंट स्टॉक सॉरी जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज बाय बर्थ ओनली एंड एवरी चाइल्ड बॉर्न इन द फैमिली बिकम्स द मेंबर। क्या बोल रहा है? इनके अंदर कोई HUF का पर्सन मेंबर कैसे बनता है? जैसे कोई भी बालक का वो परिवार के अंदर जन्म हुआ, वो ही पॉइंट से वो पूरे के पूरे HUF का मेंबर बन जाता है। क्या बोला उसने? कैसे भी हमारे परिवार के अंदर कोई नवा पर्सन का बर्थ हुआ, वैसे ही वो हमारे HUF का मेंबर बन जाता है। कहीं पे लिखाने की भी जरूरत नहीं रहती। पक्का पक्का? अच्छा, ओके 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 ओके। सर एक क्वेरी है हमारे, हमने पूछना क्या? हाँ पूछो ना, अरे बिंदास पूछने का। दादाजी हमारे चले गए थे पिछली बार, आपको आपने एग्जाम्पल बोला था, मतलब हाँ चले गए थे, तो फिर उनकी मेंबरशिप टर्मिनेट हो जाएंगे? बिल्कुल। अब दादाजी को बिहाफ पे कोई बताने वाला थोड़ी ना है एक्चुअली, ठीक है? तो ऐसे ही रहता है, जैसे कोई इसका बर्थ हुआ तो हमारा मेंबर बन जाएगा, जैसे ही कोई हमारी हमारे फैमिली मेंबर के अंदर कोई किसी की डेथ होगी तो उसकी 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 मेंबरशिप वहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगी। ओके सर, समझ में आया। सर हमारे को और एक क्वेरी है, पूछो। हमारी ना एक दीदी थी, हमारी एक दीदी थी, वो दीदी की शादी हो गई। दीदी की जो शादी हो गई, जो घर में शादी हुई, उनके पास में उनके फैमिली मेंबर आज वो बन गए। तो अब जब तक दीदी अपने साथ में थी, जब तक दीदी अपने साथ में थी वो हमारे HUF का मेंबर थी। अब उनकी शादी होगी दूसरे घर के अंदर और उनका भी HUF है, वो भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, वो भी वैसा ही मतलब परिवार वाले लोग हैं, उनके दादाजी से पीढ़ी दर वही बिजनेस चल जा रहा है। तो अब हमारी क्वेरी क्या है, जैसे ही दीदी की शादी हो जाएंगी तो वो हमारे परिवार से जाके वो परिवार में मिल रहे, तो आज की तारीख में कौन से HUF का मेंबर रहेंगे? सिंपल सा, हमारा HUF निकल जाएंगे, उनके HUF में ऐड हो जाएंगे। पक्का ना बेटा? आपको मैंने पिछले वाले एग्जांपल में बोला था, ये आंटी देखो, ये बड़े पापा की, ये बड़े पापा बोले तो ये वाले अंकल को हम बड़े पापा बोलते, और ये आंटी, अच्छा छोटे छोटे वाले अंकल, छोटे चाचा थे, सबसे छोटे चाचा थे ये वाले, और उनकी अभी शादी हुई, तो ये जो मैडम दिख रही है ये भी कहीं ना कहीं से शादी करके आई होंगी ना? अरे हाँ ना, ऐसा क्यों देख रहे हैं आप मेरे को? कहीं ना कहीं से शादी करके आएंगे, तो उनकी उनकी HUF के वो मेंबरशिप में से निकल जाएंगे और हमारे ये वाले परिवार के मेंबरशिप में ऐड हो जाएंगे। पक्का पक्का? यस। ये चिंटू का जैसे बर्थ हुआ था, ये चिंटू नाम है और इसकी बहन का नाम चिंटी है, इसका नाम चिंटू, इसका नाम चिंटी, तो ये चिंटू का जैसे ही उसका बर्थ हुआ तब से वो फैमिली के अंदर ऐड हो जाएगा क्या? बिल्कुल सर। बाकी चलो, अच्छा वापस एक बार नाम बोलते क्या, जो सीनियर मोस्ट मेंबर है उसको क्या बोलते हैं? करता। जो उनकी वाइफ है उनको क्या बोलेंगे? करती। नहीं ना सर, ऐसे नहीं बोलते, ठीक है? जो सीनियर मोस्ट मेंबर उनको करता बोलते हैं, उसके अलावा बाकी सारे के सारे लोगों को को पार्टनर्स बोलते हैं। पक्का पक्का? तो यस, पहला फीचर देखे अपन ने। दूसरा, द हेड ऑफ द फैमिली इज नोन एज करता, वेरी गुड। द अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली आर नोन एज को पार्टनर्स, कोई दिक्कत नहीं। द नंबर ऑफ, सर आपके पीछे का नहीं दिख रहा हमको, मैं बाजू उठू, बाजू उठ गया। द नंबर ऑफ मेंबर, ए रिकॉर्ड हो रहा ना, हाँ। द नंबर ऑफ मेंबर, देयर इज नो लिमिट ऑन मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। अच्छा, एक HUF के अंदर ज्यादा से ज्यादा कितने लोग रह सकते? कितने भी रह सकते, कोई दिक्कत। कम से कम कितने लोग रह सकते? कोई दिक्कत नहीं, कितने भी रह सकते। पक्का पक्का? समझा क्या? मतलब एटलीस्ट मियाँ बीवी तो रहेंगे ना यार फैमिली के लिए, मतलब अकेला आदमी कैसे क्या फैमिली बनेगा? मतलब मैं अपने आप का फैमिली हूँ ऐसे थोड़ा बोलते हैं, तो एटलीस्ट दो लोग तो लगेंगे, ठीक है? लेकिन ऐसा वो बोल रहे समझने पर्पस के लिए बोल रहे हो कि बोले कोई मिनिमम की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई मैक्सिमम की रिक्वायरमेंट नहीं। सर कि ऐसा क्यों है, मैक्सिमम की कोई रिक्वायरमेंट क्यों नहीं है? आप मेरे को एक बात बताओ, अपन क्या किसी फैमिली मेंबर को बोल सकते क्या तुम बच्चे मत पैदा करो? थोड़ा आपको अलग लग रहा होगा, लेकिन ऐसा अपन किसी को रिस्ट्रिक्शन कर सकते क्या? नहीं। तो फिर ये डालना पॉइंट ही गलत हो जाएगा ना, कि यार आप मिनिमम मतलब ऐसा मैक्सिमम नंबर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन करो, मतलब ये तो बात ही अलग हो जी। सपोजिंगली हिंदू या हिंदू सक्सेशन लॉ के अंदर एक नवा कानून डाल दिया उन्होंने, बोले आज 10 मेंबर्स के ऊपर अगर लोग हो गए तो वो HUF नहीं कहलाए जाएंगे। दादाजी ने सबको बोल दिया कोई बच्चे, ठीक है समझ गया आपको, ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते अपन। दैट इज द मेन रीजन कि वो क्या बोल रहे हैं कि देर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम नंबर एंड देर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ मैक्सिमम नंबर। अच्छा कुछ भी बच्चे ना, सर ने क्या बोला, आप थोड़ा मैच्योरिटी के साथ में बिहेव करना, ऐसा मत करना। अब मेरे को पता है सबको सब कुछ पता रहता है, लेकिन ये सारा पॉइंट आपको समझाने के लिए बोला मैंने, ठीक है? मैं बहुत अच्छा बच्चा हूँ, आप अदरवाइज मत सोचना मेरे बारे में, ठीक है?
चलो दूसरा, द फैमिली मेंबर्स आर एंगेज इन द बिजनेस। स्वाभाविक सी बात है, दादाजी है, दादाजी के दो बच्चे, बच्चे के बच्चे, ये सारे के सारे एक ही बिजनेस के अंदर वो बिजनेस करते रहे। ओके, द लाइबिलिटी ऑफ द कर्ता इज अनलिमिटेड। क्या बोल रहे हैं? द लाइबिलिटी ऑफ द कर्ता इज अनलिमिटेड। अच्छा, सिर्फ कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड। द लाइबिलिटी ऑफ को पार्टनर इज लिमिटेड। ओए, अच्छा अच्छा अच्छा, क्या बोला उसने? बोले द लाइबिलिटी ऑफ कर्ता, जो सीनियर मोस्ट मेंबर है हमारे केस में दादाजी, दादाजी पूरा का पूरा जिम्मेदारी खुद की लेते हैं कि बोले हमारे एचएफ के अंदर कुछ भी गलत हुआ तो मेरी पूरी की प्रॉपर्टी बेच देना और जिसको भी पैसे देना है उसको पैसे दे देना, लेकिन मेरे घर वालों के ऊपर आज भी नहीं आने को ना, घर वालों के जितने भी पर्सनल असेट्स है, जैसे छोटी चाची हमारे घर में शादी करके ही उनके जेवर क्या बोलते ज्वेलरी बेचेंगे नहीं, सो दैट लोन रिकवर करने के लिए उनके पर्सनल प्रॉपर्टी को बेचेंगे नहीं। चिंटू का कोई भी टॉयज मार्केट में बेचा नहीं जाएगा, उसका टॉयज उसका है। छोटी सॉरी बड़े बड़े पापा की जो वाइफ है उनको शादी में बहुत सारा दहेज मिला था, उनके दहेज का एक रुपया भी नहीं बेचेंगे। काहे के लिए? काहे के लिए नहीं बेचेंगे? अगर समझो सामने वाले ने किसी ने केस कर दिया हमारी एचएफ के ऊपर, तो जितने भी दादाजी के नाम पे चीजें हैं उनको अपन मार्केट में जाके बेच सकते हैं, उनको मार्केट में जाके बेच सकते हैं, लेकिन दादाजी के अलावा, दादाजी के अलावा बाकी बाकी के लोग जितने भी है ना, उनके असेट्स को, उनके चीजों को हाथ भी लगा नहीं सकते मार्केट में बेचने के लिए। क्या चिंटू अपना टॉयज मार्केट में बेचने देगा? क्या नहीं? ठीक है, क्या छोटी चाची जो अभी रिसेंटली शादी करके आई है क्या उनके असेट्स को अपन मार्केट में बेचेंगे? क्या? बिल्कुल भी नहीं। जो बड़ी मम्मी थी, बड़ी मम्मी मतलब सबसे बड़े वाले बड़े पापा की जो वाइफ थी, उनको शादी में दहेज बहुत सारा मिल रहा था, क्या उनके पर्सनल असेट्स को अपन मार्केट में जाके बेचेंगे क्या लोन रिकवरी पर्पज के लिए? बिल्कुल भी नहीं। सर एक एक क्वेरी आई हमको, बोलो ये कुछ गलत नहीं लग रहा क्या आपको? मतलब कर्ता जो भी है पूरा ऐसा, मतलब क्या बोलते हैं, एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन के जैसे सब कुछ अपने आप पे ले रहा है, परिवार के ऊपर आज भी नहीं आने दे रहा है, मतलब हाँ वो वैसे रहे, क्यों बोल रहे बेटा ऐसे डिसीजन क्यों आया? अभी आप आगे पढ़ेंगे, एचएफ के अंदर सारे के सारे डिसीजन कौन लेता होगा? सर दादाजी लेते होंगे, ऑब्वियस ही बात है। अब दादाजी ने सपोजिटली कुछ गलत डिसीजन ले लिया, उसका खामियाजा बाकी के परिवार के लोगों के ऊपर क्यों आना? तो ये शायद लॉजिक होगा उनके पीछे, ठीक है, मैं शायद बोलो इट माइट बी द मेनी रीजन, मेनी रीजन में से एक अपन ने रीजन बताया, ये आपको कोई स्टैटिक एक पर्टिकुलर रीजन ये ऐसे नहीं बोल सकते, देर आर एन नंबर ऑफ रीजंस जिसके अंदर वो बोले हुए कि सिर्फ जो पेमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आई तो सिर्फ कर्ता के असेट्स को मार्केट में बेचो, बाकी के असेट्स को हाथ मत लगाओ। आपको समझा क्या मैंने क्या बोला? yes. कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड, उनकी बाकी के मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड, ठीक है। कर्ता इज द मैनेजर कंट्रोलर एंड कोऑर्डिनेटर ऑफ द बिजनेस। क्या बोला? बोले अच्छा मैं एक बात बताऊँ, अच्छा ये कितना एकदम सिंपल सा पॉइंट है एंड समझने वाला पॉइंट है, वो क्या बोल रहा है? बोले कर्ता के एक एक काम है वो सबको मैनेज करे, कंट्रोल करे, कोऑर्डिनेट करे, मैनेज करे। मेरे को एक बात बताओ, एक जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है या जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस है, उसके अंदर उनका किसका काम है पता है क्या? किराने का काम। अब वो किराने के जो काम के अंदर है, स्वाभाविक सी बात है दादाजी क्या करते होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बिल बनाते होंगे, उम्र होगी और तो कुछ काम भी नहीं कर सकते। काम कौन करता होगा? जवान जवान खून, कौन जवान खून करे? दादाजी के जो बच्चे रहेंगे वो बच्चे काम कर रहे होंगे, सिर्फ वही काम कर। दादाजी का क्या काम रहेगा? सिर्फ मैनेज करना, देखना सब कुछ बराबर है कि नहीं, गेहूं कम हो गई तो उसका ऑर्डर प्लेस करना, मतलब मतलब क्या बोलते हैं, जो काम के अंदर मेहनत नहीं लगती वो वाले काम करेंगे, कौन? दादाजी। अपने पॉइंट समझ में आया? उनका काम है कंट्रोल करना, घर के अंदर कुछ गलत हो रहा है तो उसको कंट्रोल करना, छोटे चाचा और बड़े पापा के बीच में झगड़े हो रहे थे उनको कंट्रोल करना, ओए समझता नहीं है तुम्हारे को, ऐसा कोऑर्डिनेट करना। कभी कभी क्या होता है, कभी हर बार चिल्ला चिल्ला के काम नहीं होता, उनके बीच में एक प्रॉपर तरीके से वेवलेंथ मैच करके भी आगे काम कर सकते हैं। ये तीन काम किसके रहते हैं? कर्ता के रहते हैं। कर्ता इज द मैनेजर कंट्रोलर एंड कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट मतलब साथ में मिलकर काम करवाता सबसे ऑफ द बिजनेस, पक्का पक्का। यस सर। कर्ता बींग द सोल डिसीजन मेकर कैन टेक क्विक डिसीजन। मेरे को एक बात बताओ, दादाजी को लगता है कि यार अपने एक नवी ब्रांच या कोई नवा बिजनेस स्टार्ट करने का है, तो ये बहुत फटाफट बिजनेस ले सकते हैं, फटाफट डिसीजन ले सकते हैं, बिकॉज क्यों? दादाजी को खुद को ही डिसीजन लेने का पूरा का पूरा। हाँ मैं आज बोल सकता हूँ वो बाकी तीनों बच्चों के साथ में बातचीत करेंगे, लेकिन फाइनल डिसीजन किसका रहेगा? दादाजी का। पॉइंट समझ में आया क्या? यस, एकदम क्लियर कट समझ में आ गया। कर्ता बींग द सोल डिसीजन मेकर कैन टेक क्विक डिसीजन, सो दैट अभी सिर्फ अकेले आदमी को डिसीजन लेने का तो फास्ट डिसीजन हो पाते। सर ऐसा क्यों बोले क्विक डिसीजन ले पाता है? अरे सिंपल सा है, आपको अगर जब मैं कंपनी बढ़ाऊंगा ना, कंपनी के अंदर आपको ऐसा बढ़ाऊंगा, कंपनी के अंदर पैसा लगाने वाले लोग अलग रहते हैं और कंपनी को चलाने वाले अलग लोग रहते हैं। हाँ हाँ हाँ, आपने बोला था उस दिन कंपनी को जो लोग चलाते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन?
कुछ तो भी डायरेक्टर बोले थे आपने सर, हाँ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, प्यार से BOD। अब शेयर होल्डर एक रहते कि बहुत सारे रहते? बहुत सारे शेयर होल्डर्स रहते हैं, वो अलग अलग जगह पे रहते हैं। अब इतने सारे लोग मतलब डिसीजन लेने के लिए उनको कितना क्या रहेगा, ये जो डायरेक्टर्स रहते हैं, डायरेक्टर सारे के सारे डिसीजन डायरेक्टर नहीं लेते, एक टाइम एक लेवल तक की लिमिट के ही डिसीजन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ले सकते हैं। उनके ऊपर भी अगर कुछ भारी वाली डिसीजन लेने होंगे ना, तो उनको शेयर होल्डर्स को कंपनी के अंदर बुलाना पड़ता, क्यों शेयर होल्डर तुम्हारी कंपनी है, तुम आओ, तुम्हारे को हम तुमको राय दो कि हमने करना कि नहीं करना। आपको पॉइंट समझा क्या? अब शेयर होल्डर कोई रहता जम्मू कश्मीर में, कोई रहता कन्याकुमारी में, कोई रहता गुजरात के अंदर, कोई वेस्ट बंगाल के अंदर, सब राजस्थान के अंदर, इतने अलग अलग जगह से, सब एक जगह पे आने में टाइम नहीं लगेगा क्या? इस वजह से उसके अंदर जो डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस रहती है ना, वो टाइम कंज्यूमिंग रहती है, थोड़ा टाइमली मैनर होता है। पॉइंट समझा आपको? इस वजह से उसके अंदर बोले टाइम लगता है। HUF के अंदर डिसीजन बहुत फास्ट लिए जाते हैं। समझा आपको? पक्का पक्का, ठीक है, यस सर, पूरे के पूरे पॉइंट। दूसरा, द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज कीप्स ऑन चेंजिंग डिपेंडिंग अपॉन द बर्थ एंड द डेथ इन द फैमिली। दादाजी क्या करते होंगे? दादाजी एकदम मस्त इज्जत से काम क्या करते होंगे, बहुत अच्छा वाला काम क्या करते होंगे? दादाजी सबका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड करके रहते हैं, जितने नंबर ऑफ मेंबर्स उतना उतना पैसा मिलेगा, जैसा दादाजी ने डिसाइड कर रहा है। बोले हर छोटे बच्चे के लिए 5000 रुपये महीने का प्रॉफिट अपन देंगे, फिक्स देंगे, बाद में जाकर चेंज करेंगे वो, लेकिन अभी क्या बोल रहे हो, सबको फिक्स दे रहे। दादाजी का वैसा पॉलिसी है कि हर एक मेंबर को, छोटा बच्चा है तो उसको 5000, बड़ा है, घर का बड़ा है, मतलब हस्बैंड वाइफ दो लोग हैं, तो उनको 10-10 हज़ार रुपये पर मंथ का खर्चा मिलेगा। 10,000, तो फिर अभी देखो आप क्या हो रहा है, छोटे चाचा को हस्बैंड वाइफ और उनको एक बेटा है, तो कितने मिलेंगे उनको? 10,000, 10,000, 5,000, छोटा बेटा ना, तो 25,000 मिलेंगे। छोटे बड़े भाई, सॉरी क्या बोलते रहे इसको अपन, बड़े पापा को मियाँ बीबी 10-10 हज़ार, उनके अलावा दो बच्चे हैं, 10 बच्चों को भी 5 और 5, टोटल 30,000 मिलते। सपोजिंगली बड़े पापा को और एक बेटा हो गया, उनको एडिशनल 5,000 मिलेंगे, क्योंकि दादाजी का तो नियम एकदम क्लियर था, जितने बच्चे उतने पैसे, ठीक है। तो वैसा बोले इनका रेशियो चेंज होते रहता है, तो काय को चेंज होते रहता है, हो सकता है क्या हो सकता है, जैसे जैसे मेंबर्स ऐड होते जाएंगे वैसे वैसे रेशियो उनका बढ़ते रहेंगे, जैसे जैसे कम होते जाएंगे जैसे वैसे उनका रेशियो कम होता रहेगा, पक्का पक्का प्रॉफिट कम कम होते रहेंगे, पक्का सर। ये तो प्रॉफिट बांटना हो, वही तो बोला प्रॉफिट शेयरिंग कीप्स ऑन चेंजिंग, काय को चेंजिंग, डिपेंडिंग अपॉन द बर्थ एंड डेथ ऑफ द फैमिली मेंबर, या सिर्फ डेथ नहीं, कोई शादी करके चले गया, जैसा हमारे बीच वाले अंकल को, बड़े पापा हो गए तो छोटे हो गए, बीच वाले अंकल, हमारे बीच वाले अंकल को एक बेटा था एक बेटी थी, बेटी शादी की उम्र की हो गई थी, अब उनकी थोड़े टाइम के बाद में शादी होकर वो दूसरे HUF के अंदर चले गए, तो हमारे HUF के अंदर उतना रेशियो कम हो जाएगा, दादाजी उतने 5,000 रुपये उनको कम देंगे। समझा आपको? और उनकी इसमें उनके इसका वो देखेंगे ना, अपन का खुद देखना अपन ने, यस सर, समझा पॉइंट समझा क्या बच्चा? यस, ये क्या था बच्चा? जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, ओके ठीक है। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस अपन रिकॉल करते हैं फटाफट एक बार। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के अंदर अपन ने क्या क्या पढ़े सर? हम बोलना कि हमारी भाषा में, आपकी भाषा में बोलो, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के अंदर क्या होता है, एक परिवार वही बिजनेस का पीढ़ी दर पीढ़ी बिजनेस को चलाता आता है, उनके लिए हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 उनके लिए लाया गया है, पक्का, यस सर। मैं साइड में उसके पॉइंट क्या थे, सबसे पहला अपने देखे थे जनरली इसके अंदर मेंबर कैसे बनेंगे अपन, जैसे कोई व्यक्ति का जन्म हुआ वो पर्टिकुलर HUF का मेंबर बन जाएगा, पक्का। जो सीनियर मोस्ट मेंबर रहता उसको क्या बोलते हैं अपन? करता। उसके अलावा बाकी के लोगों को क्या बोलते हैं अपन? को पार्टनर। क्या अपने कोई नंबर ऑफ मिनिमम नंबर और मैक्सिमम नंबर भी कोई लिमिट है क्या? नहीं, मिनिमम 2 भी रह सकते हैं, मैक्सिमम कितने भी रह सकते हैं, पक्का। क्या अपन कोई लिमिट लगा सकते हो छोटे चाचू और नहीं ऐसा कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ऑल फैमिली मेंबर्स आर एंगेज इन बिजनेस, जितने भी फैमिली मेंबर्स है वो सारे के सारे बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व है। कर्ता की लाइबिलिटी किसकी? कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड, बाकी मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड। जो सीनियर मोस्ट मेंबर रहता है वो मैनेजर कंट्रोलर और कोऑर्डिनेटर ऑफ द HUF रहता है। सबसे लास्ट पॉइंट, कर्ता बींग सोल डिसीजन मेकर, सिर्फ अकेला पूरा का पूरा डिसीजन लेते, एडवाइस लेंगे, लेकिन फाइनल डिसीजन किसका रहेगा? कर्ता का, दादाजी का डिसीजन रहेगा। तो वो डिसीजन फास्ट ले सकते क्या? यस सर, एकदम मस्त फास्ट। प्रॉफिट रेशियो स्टैटिक रहता है कि वो चेंज हो सकता है किसके अंदर? HUF के अंदर, डिपेंडिंग अपन द बर्थ एंड द डेथ और गेटिंग मैरिड टू अनदर फैमिली, राइट, पक्का पक्का, यस। अभी अपन पढ़ेंगे अपन पार्टनरशिप फर्म, पक्का, यस। रुकूंगा 2 मिनट का, आप 2 मिनट का पॉज कर सकते हैं। मैं मेरी क्लास में भी अपन जब लेते ना तो उसके अंदर अपन 5-5, 10-10 मिनट रुकते हैं, जब फेस टू फेस भी चालू होंगे ना तो 5-5, 10-10 मिनट रुकेंगे, सो दैट फिर वो वापस एनर्जी आ जाए, इनकेस
मैं तो वैसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आप मुझे पॉज करके आप थोड़ा 5 मिनट थोड़ा या गाना सुन जाकर, लेकिन 5 मिनट का 5 मिनट ही होना, नहीं तो भाई जान दे अभी सर ने बोल देना ब्रेक तो कभी कल पढ़ेंगे, ऐसा मत करना, डेली डेली खत्म करते रहना, पक्का पक्का। यस लो आप ब्रेक लो, चलो मैं तो चालू कर रहा हूँ, ब्रेक लेके। हेलो वेलकम बैक सर, हमने ब्रेक ही नहीं लिया था, आप अच्छे बच्चे हो। पार्टनरशिप फॉर्म, मैंने BMA का एग्जाम्पल लिया था, ये अपना लोगो है यहाँ, BMA प्राइवेट, नहीं प्राइवेट लिमिटेड नहीं, BMA द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विथ इज ओन। अच्छा पार्टनरशिप फॉर्म आपको सब पता है, मैं एक्चुअली बोल रहा हूँ कॉमर्स के बहुत सारे टॉपिक्स आपको पता है, बस मैं उसको डायरेक्शन दे रहा हूँ, एक्चुअली मैं सिर्फ डायरेक्शन दे रहा हूँ, ये बेसिक है, इसके एडवांस बाद में पढ़ेंगे अपन, लेकिन ये बेसिक बेसिक आपको सब कुछ पता है, तो कुछ कुछ टॉपिक ना अरे यार सर बोर कर रहे फिर भी पढ़ लेने का, ठीक है मैं एक आधा पॉइंट आपके एक्स्ट्रा बोल डालूंगा, वो आपके काम क्यों, है ना यस सर समझ में आया, ठीक है। द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विथ इज ओन मतलब मालिक, मैनेज करे भाई, कंट्रोल मतलब कंट्रोल बोले तो उनको रुकाए, बाय टू और मोर पर्सन इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप फर्म। ओके ऐसी कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज ओन मैनेज एंड कंट्रोल बाय टू और मोर पर्सन इट इज नोन एज पार्टनरशिप फर्म। ओके द ओनर्स आर कॉल्ड एज पार्टनर, यस। अरे आपने मेरे को बोलना था, आपको दिख नहीं रहा हूँ मैं सर हम कैसे बोलते थे, अरे मुझे लगा मैंने वो एक्चुअली हटाने ही भूल गया था मैं, चलो ठीक है। अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विथ इज ओन मैनेज एंड कंट्रोल बाय टू और मोर पर्सन इट इज नोन एज पार्टनरशिप फर्म। ओके बॉस द ओनर्स आर नोन एज पार्टनर्स एंड द ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एज फर्म। जो लोग जो वो पर्टिकुलर पार्टनरशिप फर्म के जो मालिक है, मालिक को क्या नाम से संबोधित किया जाता है, जैसा अपन क्या नाम से संबोधित बोले तो क्या नाम से बुलाते हैं अपन उनको, पार्टनर्स। और दूसरा द ऑर्गेनाइजेशन जो उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है उसको क्या बोलते हैं अपन, फर्म, पार्टनरशिप फर्म। पक्का कोई फर्म बोलता है, कोई पार्टनरशिप फर्म बोलता है, चलेंगे दोनों अलाउड है, ठीक है। द रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म इज कंपल्सरी इन महाराष्ट्र स्टेट। अगर आप पार्टनरशिप फर्म बना रहे हो, इनफैक्ट अक्षय सर और मेरी भी खुद की पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड मतलब क्या, एक रजिस्टर ऑफ कंपनीज जैसा रहता था ना, ऐसे नहीं क्या बोले आपने, कंपनीज को बनाते ना उसके लिए अपने को ROC लगता है, रजिस्टर ऑफ कंपनीज, उनके अंदर कंपनी को डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करके अपने को कंपनी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है। अरे यार यहाँ लाइट चली गई, चलो ठीक है मैं आपको नहीं भी दिखा तो आई थिंक आपको चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं जाएंगी। हेलो हाँ तो मैं आपको क्या बता रहा था, एक वही पॉइंट बता रहा था कि रजिस्ट्रेशन का जो रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जो महाराष्ट्र के अंदर कभी भी अगर आप कोई पार्टनरशिप फर्म बना रहे हो उनका रजिस्ट्रेशन लगाना उनका रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी मैंडेटरी है, पक्का। अगर लेकिन महाराष्ट्र के अलावा आपकी सपोजिंगली गुजरात के अंदर आप पार्टनरशिप फर्म बना रहे हो तो आपको गुजरात स्टेट का उनका पर्टिकुलर लॉ लगेगा, ठीक है। दूसरा द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज गवर्न बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इनके लिए भी एक स्पेशल एक्ट बनाया गया है जिसका नाम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अरे बाप रे 1947 के पहले का है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, सॉरी रजिस्ट्रेशन अगर महाराष्ट्र के अंदर आप कोई पार्टनरशिप फॉर्म बना रहे हो तो उसका रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। क्या पार्टनरशिप एक्ट को पार्टनरशिप जो भी पार्टनरशिप फॉर्म है उनको कोई एक स्पेशल कानून अप्लीकेबल होता है क्या, यस उनको कौन सा कानून अप्लीकेबल होता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पक्का यस सर समझ में आया, ठीक है। दूसरा ठीक है अपन ये सारे के सारे पॉइंट देखना, क्या बोला है, ऐसी कोई बिजनेस करने का तरीका जो कि ओन मैनेज एंड कंट्रोल कौन करता है, पार्टनर्स बाय टू और मोर पर्सन उनको बोला जाता है पार्टनरशिप फर्म। जो बंदे जो कंपनी के मालिक है उनको बोला जाएगा पार्टनर्स, जो बिजनेस वो चला रहे हैं उसको बोला जाएगा फर्म या पार्टनरशिप फर्म। अगर आप महाराष्ट्र के अंदर अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म बना रहे हो तो उसको रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी के बच्चा, यस। क्या पार्टनरशिप फर्म को कोई स्पेशल कानून एक स्पेशल एक्ट अप्लीकेबल होता है क्या, यस, जिसका नाम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, पक्का यस। अब पार्टनरशिप फर्म के अपन फीचर्स पढ़ेंगे, क्या बोल रहे हैं द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, अरे हो गया ना यार ये फीचर्स पढ़ेंगे। द बिजनेस इज स्टार्टेड बाय एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन। जब भी कोई पर्सन को पार्टनरशिप फर्म चालू करनी होगी तो जब भी कोई भी पर्सन को पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करनी होगी तो उनको सबसे पहली चीज़ जो लगती है वो है एक एग्रीमेंट कॉपी करना पड़ेगा, एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा उनके बीच में, बिकॉज आगे चल के ऐसा ना हो जाए इनके बीच में लड़ाई झगड़ा हो गया। पहले इन्होंने बोला था कि दो लोगों ने स्टार्ट किया था अक्षय सर और सौरभ सर कि 50-50% पार्टनर बनाएंगे, लेकिन भगवान आगे चल के अच्छा कोई अच्छा चल रहा था, अरे मैं हमारा नाम नहीं लेता, हम ऐसे नहीं करते, हम अच्छे लोग हैं। अगर सपोजिंग नहीं हमने पहले डिसाइड किया था कोई दो पार्टनर्स थे कोई भी मिस्टर ए और मिस्टर बी या राम या श्याम, राम या श्याम ने कोई नवी पार्टनरशिप फॉर्म डाले थे, पहले डिसाइड किया था कि हम 50-50% प्रॉफिट रखेंगे, लेकिन आगे जाके
शाम की क्या बोलते हैं नियत बिगड़ गई, ज़्यादा प्रॉफिट आ गया, उसने बोला नहीं नहीं मेरे को तो अभी 70% प्रॉफिट होना, तू 30% प्रॉफिट ही रख। अब सिंस ये रजिस्टर्ड नहीं है तो अब ये इन दोनों के बीच में जो झगड़े चल रहे थे वो कोर्ट तक चले गए। एक बार वो झगड़े कर रहे थे रास्ते में खड़े रह गए, पुलिस वालों ने पकड़ा और पुलिस वालों ने उनको कोर्ट में पेश किया। जब उन्होंने कोर्ट में पेश किया तो उनके बीच में डिसीजन आया, कोर्ट बोले आप झगड़ा कर रहे थे, बोले सर हमारे बीच में एक ही मैटर के ऊपर डिस्कशन चल रहा है कि यार ये हमारी पार्टनरशिप फर्म का जो प्रॉफिट अर्न हो रहा है इसको क्या क्या रेशियो में बांटना है। बोले सिंपल, आपने लिख के नहीं रखा था क्या, एक रजिस्टर्ड नहीं करा था क्या, अरे सॉरी आपने रजिस्टर्ड नहीं करा था क्या। बोले हाँ सॉरी नहीं, बोले हम रजिस्टर करना भूल गए थे। बोले अभी अभी कैसे डिसाइड करेंगे क्या फाइनल है, कौन सच बोल रहा है, बिकॉज दो लोगों के बीच में बातचीत का कोई प्रूफ ही नहीं है ना। तो इस वजह से अंदर उन्होंने क्या बोला, दो लोगों को एग्रीमेंट करना पड़ता है और वो एग्रीमेंट को कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड करना पड़ता है। अगर आप महाराष्ट्र में करें तो उसको रजिस्टर करना कंपलसरी है। द बिजनेस इज स्टार्टेड बाय एन एग्रीमेंट, सबसे पहली स्टेप आपको एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। दूसरा, द कैपिटल इज कंट्रीब्यूटेड बाय पार्टनर्स, वो पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर पैसा कौन लगाएगा, ऑब्वियस ही बात पार्टनर्स लगाएंगे। द लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर इज अनलिमिटेड एंड इट इज जॉइंट एंड सेवरल, वो क्या हो रहा है, द लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर इज अनलिमिटेड। सर अनलिमिटेड यहाँ तक तो समझ में आ गया कि आगे चल के जब अगर सपोजिंगली पार्टनरशिप फर्म को कोई लॉस हुआ, अब वो पार्टनर्स को पे करना पड़ेगा, और अब पार्टनर्स के भी असेट जो बिजनेस के अंदर थे वो भी खत्म हो गए, तो इंडिविजुअल पार्टनर के घर पे जाएंगे और अपन उनसे पैसे वसूल करेंगे। एकदम सही बात है, यस एकदम सही बात है। आगे का पॉइंट नहीं समझा सर, इट इज़ जॉइंट एंड सेवरल। इट इज़ जॉइंट एंड सेवरल का मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। सपोजिंगली तीन पार्टनर थे, ए पार्टनर के पास के जितने भी पैसे थे ना वो पूरे के पूरे खत्म हो गए। मैंने क्या बोला, टोटल तीन पार्टनर्स थे, तीन पार्टनर में से एक पार्टनर जो था वो एक पार्टनर के पूरे पैसे खत्म हो गए, और कोर्ट के अंदर एक किसी ने केस फाइल कर दिया कि यार ये पार्टनरशिप फर्म बहुत ख़राब तरीके से चला रहे, इन्होंने हमारे को कुछ तो भी माल सप्लाई किया, माल बहुत डिफेक्टिव है, ये पार्टनरशिप फर्म के ऊपर फाइन लगाओ, पेनल्टी लगाओ, दंड लगाओ। कोर्ट ने इनको ऑर्डर दिया इनको कि आपको सामने वाले व्यक्ति को आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। अब सिंस एक वाले पर्सन के पास में कुछ पैसे नहीं है तो ये व्यक्ति कुछ भी पैसे नहीं देगा, लेकिन जो बाकी के दो व्यक्ति है ये लाइबिलिटी देंगे। कितनी लाइबिलिटी देंगे और कितना पेमेंट देंगे, पूरा का पूरा पेमेंट जो कोर्ट ने बोले हुआ है। मतलब अगर कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया है तो अपने को वो तीनों पर्सन को जो लाइबिलिटी आई है वो तीनों को पर्सन को फुलफिल करनी पड़ेगी। कब तक, जब तक सब कैपेबल है तब तक उनको पूरी के पूरा पैसा देना पड़ेगा। इन केस आगे जाके कभी ऐसा हो गया कि एक पर्सन व्यक्ति पैसे देने के काबिल नहीं है तो वो दो लोगों को पूरा का पूरा पैसा साथ में मिलकर देना होगा। और अब मेरे को बात बताओ, पहला इनका रेशो था 33% 33% 33% ऐसा उनका रेशो चल रहा था, 33.33% ऐसा उनका रेशो चल रहा था। आज की तारीख के अंदर सिंस दो ही पार्टनर है तो उनको ऐसा नहीं बोलेंगे कि हम हमारा हिस्से का पैसा देते हैं बाकी का उसका उससे जाके ले लो, ऐसा नहीं बोल सकते। आज ये इनकी जो पार्टनरशिप फर्म है इनको पूरा का पैसे का रिपेमेंट करना पड़ेगा। सर ये तो फिर गलत है ना, सिर्फ दो लोगों ही पेमेंट दे रहे, तीसरे वाले को आप यार उनके पास में तो पैसे नहीं, उससे कैसे वसूल करेंगे। लेकिन पार्टनरशिप फर्म क्या बोलती है कि आज के लिए आप दे सकते हो, और ये दो पार्टनर के पास में एक पावर है कि जो उन्होंने पैसा थर्ड वाले पार्टी का उनका शेयर जो पे किया है ये दो पर्सन ये ले सकते हैं, क्या बोलते हैं उसको, रिकवर कर सकते हैं पहले वाले पार्टनर में से। वो क्या बोल रहा है, पार्टनरशिप फर्म के अंदर वैसे तो उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, उनकी पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, ठीक है। मतलब हर एक पर्सन की कैपेबिलिटी, मतलब पैसा देने की रिक्वायरमेंट कितनी आएंगी, अनलिमिटेड। जितने उनके पास में पर्सनल असेट भी होंगे, तीनों पार्टनर के घर पे भी जितने असेट होंगे उसको भी बेचने लगा सकती है कोर्ट, पक्का। लेकिन सपोजिंगली आगे जाके कभी ऐसा कुछ हो गया कि यार एक पार्टनर पैसे दे नहीं पा रहा है तो उसकी वसूली भी अपन बाकी के दो पार्टनर से करेंगे, और ये दो पार्टनर भविष्य में जाके वो पैसा रिकवर करेंगे, किससे, जो पहले वाले पार्टनर जो कैपेबल नहीं था पैसे देने के लिए। आपको पॉइंट समझा क्या, पक्का। इस वजह से बोलते हैं जॉइंट है, जॉइंट है मतलब तीनों को साथ में मिलके पैसे रिपेंट करना पड़ेगा। और सेवरल का मतलब क्या है, अगर कदाचित कोई एक पार्टनर डूब गया तो उसका पैसा अभी का दो पार्टनर देंगे, बाद में उससे वसूल कर लेंगे। पक्का। तीनों पॉइंट को एक बार देखो भला आपको। सर पहले बात है, ऐसा टाइप का कोई बिजनेस है जो कि ओन मैनेज एंड कंट्रोल बाय टू और मोर पर्सन, देन दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिजनेस इज नोन एज पार्टनरशिप फर्म। द पर्सन जिसने पैसे लगाए हुए उसको बोला जाएगा पार्टनर, जो बिजनेस उन्होंने स्टार्ट किया है उसको बोलेंगे फर्म या पार्टनरशिप फर्म।
पक्का इंडिया के अंदर, सॉरी अगर आप महाराष्ट्र के अंदर आपका पार्टनरशिप फॉर्म फॉर्म कर रहे हो तो उसको रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है क्या? बिल्कुल यस। इंडियन पार्टनरशिप मतलब कोई एक स्पेशल कानून पार्टनरशिप को अप्लीकेबल होता है क्या? यस। उसका नाम है, उसका नाम है, उसका नाम है, क्या नाम है उसका? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। साल कौन सा है? 1932। पक्का 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 पक्का। अपने कौन-से कौन-से कानून देखे अभी? एक तो देखे थे कंपनीज एक्ट 1956, एक देखे थे कंपनीज एक्ट 2013 में फॉल। ये क्या ईयर का इंडिकेट करता? वो साल के अंदर वो कानून बन गया था, ठीक है, पास बाद में हुआ, ठीक है। उसके अंदर अपने ने क्या देखा था? उसके बाद में कौन सा देखा था? ये हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 था उसका भी। और ये सोल प्रोप्राइटरी को कोई कानून नहीं लगता है, ये अपने पॉइंट पढ़ते हैं, सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न को कोई कानून नहीं लगता है। और ये दूसरा ये 1932 किसका? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। पक्का पक्का यस। द बिजनेस कैसे स्टार्ट करेंगे? सबसे पहला बिजनेस स्टार्ट होगा एक एग्रीमेंट के साथ में। किसके साथ होगा? एक एग्रीमेंट के साथ में बिटवीन टू और मोर पर्सन। कैपिटल कौन लगाएंगे? कैपिटल का मतलब क्या? बिजनेस के अंदर जितना पैसा लगता है ना उसको कैपिटल बोला जाता है। अक्षय सर का आपको आपका हुआ होगा, क्या बोलते हैं उसको, जो पैसा पार्टनर्स ने लगाया उसको कैपिटल बोला जाता है, या जो भी वो पर्टिकुलर बिजनेस का मालिक है। जैसा सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न के अंदर वो सोल प्रोप्राइटर या सोल ट्रेडर वो पर्टिकुलर बिजनेस का मालिक है, तो उसने जो पैसा लगाया उसको बोला जाएगा कैपिटल। पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो पार्टनर्स बिजनेस के अंदर पैसा लगा जाए वो बोला पार्टनर्स कैपिटल। पक्का पक्का। लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म के अंदर कैसी है? इट इज़ अनलिमिटेड एंड इट इज जॉइंट एंड सेवरल। जॉइंट और सेवरल का मतलब समझा ना आपको? ये समझा कि नहीं आपको? समझा? ये सर समझा। पक्का पक्का यस सर, थैंक यू। अभी आगे और चलते अपन। क्या द मैक्सिमम द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स? कितने मिनिमम होंगे? क्या बताओ मिनिमम कितने पार्टनर्स रहेंगे? मिनिमम एक पार्टनर, अकेला आदमी पार्टनर कैसे रहेगा? नहीं, मिनिमम दो लोग अपने को पार्टनरशिप फॉर्म के लिए लगेंगी। और दूसरा मैक्सिमम कितने पार्टनर्स बन सकते हैं? मैक्सिमम 50 लोग साथ में पार्टनरशिप फॉर्म बना सकते हैं। क्या बोल रहा है? मिनिमम दो लोग साथ में मिलकर पार्टनरशिप बनाएंगे। दूसरा मैक्सिमम कितने लोग करेंगे? मैक्सिमम से ज़्यादा लोग 50 लोग साथ में पार्टनर बन सकते हैं। द पार्टनरशिप फॉर्म डज नॉट एन्जॉय सेपरेट लीगल स्टेटस। वेरी गुड। बोले क्या बोल रहा है? आगे चल के अगर पार्टनरशिप फर्म को, जैसे पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर्ड करेंगे तब अपन ऐसा नहीं बोलेंगे पार्टनरशिप फर्म अलग उनके पार्टनर्स अलग। अगर समझो कोई गलती हो गई पार्टनरशिप फर्म का, कोई बिजनेस चलाते चलाते कोई गलती होगी। एक एग्जांपल लेता, सपोजिंगली कोई पार्टनरशिप फर्म थी वो फर्टिलाइजर बनाती थी। अब फर्टिलाइजर्स के अंदर केमिकल्स यूज होते हैं और सपोजिंगली वो केमिकल की फैक्ट्री में से केमिकल लीक हो गया और केमिकल लीक होने की वजह से आजू बाजू के अंदर बहुत ज़्यादा लॉसेस हो गए, मतलब क्या बोलते हैं बहुत लोगों का डेथ हो गई। ऐसे एक्चुअली हुआ है भोपाल गैस ट्रेजेडी। हाँ बरोबर है, भोपाल गैस ट्रेजेडी, उन गैस ट्रेजेडी। इनके इसमें क्या हुआ था? एक आई थिंक आइसोसाइनाइड कोई तो भी गैस रिलीज हुई थी और उसकी वजह से ना बहुत लोगों की डेथ हो गई थी, बहुत ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई थी, बहुत ज़्यादा। वही वैसा वो केमिकल फर्टिलाइजर प्लांट था, कंपनसेशन भी दिया था उन्होंने। सपोजिंगली कोई पार्टनरशिप फर्म है और उनके केस के अंदर उनकी एक केमिकल उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग चालू की है, केमिकल मतलब ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चालू किया है किसका? फर्टिलाइजर का। और सपोज उनके केमिकल से बहुत लोगों की डेथ हो गई और कोर्ट ने इनके ऊपर फाइन लगा दिया, तो अपन ऐसा नहीं बोलेंगे पार्टनरशिप फर्म ने गलत काम किया, अपन क्या बोलेंगे पार्टनर्स ने ही गलत काम किया है। पक्का, उनके ऊपर पूरा का पूरा आएगा। पार्टनरशिप फर्म अलग और पार्टनर्स अलग नहीं माने जाते, इट इज़ वन एंड द सेम थिंग। जैसा अपने पप्पा अलग और उनका बिजनेस अलग, ऐसा बोलते क्या अपन कि पप्पा और बिजनेस एक ही है? एक ही है, वैसा बोलते ना अपन। क्या अगर आगे चल के पार्टनरशिप फर्म को कोई प्रॉपर्टी परचेस करना रही, पार्टनरशिप फर्म को कोई प्रॉपर्टी परचेस करना रही, क्या पार्टनरशिप फर्म के नाम पे प्रॉपर्टी परचेस कर सकते क्या? बिल्कुल भी नहीं। अपने को वो पार्टनरशिप क्या बोलते हैं पार्टनर्स के नाम पे वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को परचेस करना पड़ेगा। पक्का सर, पार्टनर्स के नाम पे कैसे रहेंगे? तीनों पार्टनर का नाम, जितने भी नंबर ऑफ पार्टनर है सारे के सारे पार्टनरशिप फर्म के जितने भी पार्टनर है उसके उनको नाम डालना पड़ेगा। पक्का, उनके नाम पे प्रॉपर्टी रहेंगे। पक्का, दे डू नॉट एंजॉय द सेपरेट लीगल स्टेटस। कानून की नज़र में उनको अलग नजर से नहीं देखा जाए, उनको बोला जाता है वो एक ही है, दोनों एक ही यूनिट है। इन पार्टनरशिप फर्म पार्टनर कैन नॉट ट्रांसफर इट्स शेयर विदाउट द परमिशन ऑफ अदर पार्टनर। क्या बोल रहा है? पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर अपना शेयर किसी अन्य व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं कर सकता है, ऐसा बोल रहे हैं। पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर अपना शेयर किसी अन्य व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं कर सकता है। कब तक नहीं कर सकता है? जब तक वो बाकी पार्टनर्स की परमिशन नहीं ले लेता। क्या होता है जनरली, देखो अपन पार्टनरशिप फर्म किस पार्टनर्स किसको बनाते हैं? वही व्यक्ति को बनाते हैं जिसके ऊपर अपने को भरोसा है, राइट है ना? सही है ना? अब सपोजिंगली अक्षय सर और मैं, हम दोनों पार्टनर्स हैं। अब मैंने क्या किया, मैंने मेरा पार्टनरशिप फर्म का शेयर किसी एक ऐसे फ्रेंड को दे दिया जिसके ऊपर अक्षय सर को भरोसा नहीं था,
अब मेरे को बताओ उनकी पार्टनरशिप फर्म टिक पाएंगी क्या? नहीं, अक्सर बोलते हैं मेरे को उसके ऊपर भरोसा नहीं है, मेरे को भरोसा था सौरभ सर के ऊपर। तो इस वजह से एक लॉस डाले हुआ है कि बोले जब भी दोनों पार्टनर या जितने भी पार्टनर है उनको अगर अपना शेयर किसी अन्य व्यक्ति को ट्रांसफर करना है तो उसको बाकी के पार्टनर्स को परमिशन लेनी पड़ेगी। पक्का पक्का, यस। तो वो पॉइंट है विदाउट द परमिशन ऑफ अदर पार्टनर्स ऑल पार्टनर्स आर जॉइंट ओनर्स एज वेल एज जॉइंट मैनेजर्स ऑफ द बिजनेस। वेरी गुड पॉइंट। क्या बोल रहा है? जो पार्टनरशिप फर्म बनी वो सारे के सारे लोग पार्टनर्स जितने हैं वो पार्टनरशिप फर्म के मालिक हैं। जैसा बीएमए के अंदर पैसा किसने किसने लगाया? अक्षय सर और सौरभ सर ने। तो ये बीएमए पूरे के जितने भी असेट्स है, ये पूरे के असेट्स, ये ट्यूशन क्लासेस का, लैपटॉप का, ये कैमरे का, कंप्यूटर्स का, प्रिंटर्स का, ये पूरे के पूरे जितने भी बीएमए के नाम पे असेट्स है, इसका पूरा का पूरा मालिक कौन हो गया? अक्षय सर और मैं, दोनों हम जॉइंट पार्टनर्स हो गए। और जॉइंट मैनेजर्स, जॉइंट मैनेजर मतलब क्या? यहाँ पे जो भी काम होंगे उसकी देखरेख कौन करेगा? हम करेंगे, अक्षय सर और मैं करेंगे। पक्का पक्का। तो बोले द पार्टनर्स आर द जॉइंट ओनर्स एज वेल एज द जॉइंट मैनेजर्स ऑफ द बिजनेस। ये समझो कि नहीं? समझा ना? यस सर। नो सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट इन द पार्टनरशिप फर्म। बोले आज की तारीख में बोले मैनेजर, मैं इसको ऐसा बोलता हूँ, ठीक है जी। मैंने इसको आपको बोला था ना, कंपनी के अंदर पैसा कौन लगाता है? कंपनी के अंदर पैसा तो शेयर होल्डर लगाते हैं, कंपनी के मालिक कंपनी के अंदर पैसा लगाते हैं। जो कंपनी के मालिक रहते हैं उनको शेयर होल्डर बोला जाता है। ये पैसा देते हैं कंपनी को, और कंपनी के अंदर कंपनी को चलाता कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी के मैनेजर्स रहते हैं, उसको क्या बोला जाता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, राइट। कोई मैनेजिंग डायरेक्टर उस दिन बोल रहा था कि डायरेक्टर को भी एक मैनेज करता है, उसको मैनेजिंग डायरेक्टर बोलते हैं। तो अब वो क्या बोल रहा है? जो डायरेक्टर्स कंपनी को मैनेज करते हैं, अब ऐसा इसमें अलग अलग है ना, पैसा किसी और व्यक्ति ने लगाया और उसको मैनेज कोई और व्यक्ति कर रहा है। अपन ने बोला ना कंपनी के अंदर ऐसे ही रहता है, पैसा कोई और व्यक्ति लगाता है और उसके अफेयर्स को मैनेज कोई और व्यक्ति करता है। लेकिन पार्टनरशिप फर्म के अंदर कैसा बोल रहा है कि पैसे लगाने वाले भी वही लोग रहते हैं और मैनेजमेंट करने वाले भी वही लोग रहते हैं। जैसा अभी बीएमए के अंदर पैसा किसने लगाया हुआ है? बीएमए के पार्टनरशिप फर्म के अंदर पैसे किसने लगाया हुआ है? अक्षय सर और सौरभ सर ने। इसको मैनेज भी कौन करता है? अक्षय सर और सौरभ सर। पक्का पक्का, यस, चलेगा। सर रुको रुको, हमको एक क्वेरी है इसके अंदर। हाँ पूछो। सपोज हमारा एक व्यक्ति है वो हमारे साथ में पार्टनरशिप करना चाहता है, लेकिन वो क्या बोलता है? बोले आप मेरे से पैसे ले लो, 1,00,000 रुपये शिल्लक का ले लो, एक्स्ट्रा का ले लो, लेकिन बोले मैं आपके अफेयर्स को मैनेज करने नहीं आऊँगा। क्या बोला वो बंदा? क्या बोलता है? बोले मेरे से एक्स्ट्रा पैसा ले लो, लेकिन मैं कंपनी आपके जो ऑपरेशन के उसको मैनेज नहीं करने आऊँगा, लेकिन मैं प्रॉफिट में हिस्सा दूंगा बिकॉज पैसे दे रहा ना मैं आपको। तो सर ये अलाउड है क्या? मस्त क्वेरी है। क्या बोला बच्चे ने, आपको पॉइंट समझा क्या? कभी कभी ऐसे भी पार्टनर्स आएंगे जो आपको पैसे देंगे लेकिन वो अफेयर्स को मैनेज नहीं करेंगे। ऐसे वाले पार्टनर्स को नाम दिया गया है स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर मतलब क्या? ये कुछ भी काम नहीं करते हैं, ये सिर्फ पैसा लगाते हैं और प्रॉफिट का हिस्सा लेते हैं बस। सर एक क्वेरी है, ऐसे वाले पार्टनर को कैसे ले रखे? अरे बेटा अपने को पैसे की जरूरत है ना। अब देखो अक्षय सर और मेरे को पैसे की बहुत जरूरत है। सपोज देखिए हमारे पास में पैसा नहीं है, लेकिन एक एक धनी व्यक्ति वो बोलता है सर आपका आइडिया बहुत मस्त है, खामगांव के अंदर ट्यूशन क्लासेस की बहुत नीड है बिकॉज क्वालिटी एजुकेशन चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कॉमर्स का एक बेस्ट प्रोफेशन है, वैसा क्लासेस कोई है ही नहीं खामगांव के अंदर, आप चालू करो मैं आपको पैसे देता हूँ। ऐसा सपोजिंग मैं एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, इसके अंदर हमने लगाया, सपोजिंगली हमको ऐसे किसने बुलाया। तो अब क्या ऐसे वाले बंदे से हम पैसे लेके हमारे बिजनेस को स्टार्ट कर सकते क्या? बिल्कुल यस। वो वाला व्यक्ति जिससे हमने बिजनेस के अंदर पैसा लिया है, तो वो वाला व्यक्ति को क्या कौन सा पार्टनर बोला जाएगा? स्लीपिंग पार्टनर। पक्का 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 पक्का। सर अलाउड है क्या? बिल्कुल अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं। पक्का पक्का, यस सर। सर इसको हम पहचानेंगे कैसे कि आपका पार्टनर है कि नहीं पार्टनर है? अरे आपको क्या लेना देना, आपको पहचाना जरूरी है कि हर एक पार्टनर हमको पता ही रहना चाहिए? नहीं, ऐसा थोड़ा रहता है, पार्टनर कोई भी रह सकता है, और मतलब उसका हर व्यक्ति का नाम पता रहना ऐसा जरूरी भी नहीं है। हमारे पार्टनरशिप फर्म के अंदर सपोजिंगली 50 लोग हैं, 50 तक अलाउड है, 50 लोग थे, तो 50 के 50 लोग आपको पता रहना जरूरी थोड़ी ना है। पक्का पक्का, यस। आपको पूरा पॉइंट समझा क्या? देर इज नो सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, अलग अलग नहीं है। अब एक ही लोग पैसे भी लगाते हैं और उसको मैनेज भी करते हैं। पक्का पक्का, यस। पूरे के पूरे पॉइंट हुए क्या? अरे फिर सर इतने चिल्लर पॉइंट है, बस वही तो बोला मैं, ये सारे के सारे पॉइंट्स आपने देखे हुए हैं। इसको अपन एक बार का जो रिवाइज करते ना, वो पहले वाली डेफिनेशन आपको डायग्राम याद है, चक्रे चक्रे वाली गोली गोला 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 करे थे अपन उसके थ्रू इसको पूरे के सारे तीनों पॉइंट जो अपन ने कवर किए ना उसको कंपेयर करेंगे। देखो आपको कितने मस्त अच्छे तरीके से लर्न होगा। पक्का पक्का करूँ मैं? यस सर करो आप। मैं चलो वापस उसके ऊपर जाता हूँ। अरे यार ये टच स्क्रीन की आदत है, ये वाला लैपटॉप टच स्क्रीन नहीं है। ठीक है आओ चालू करते अपन। मेरे को बताओ सबसे पहला पॉइंट ये वाला पॉइंट है, नंबर ऑफ ओनर्स एंड अमाउंट ऑफ कैश अप्लाइड इन द बिजनेस। सोल प्रोप्राइटर केस के अंदर पैसा कौन कौन लगाता है? सोल प्रोप्राइटर अकेला।
उसके अंदर एक एक अकेला आदमी वही रहता है कि एक से ज्यादा लोग रहते हैं? नहीं, अकेला आदमी वही रहता है। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के अंदर पैसा, अच्छा कितने लोग रहते हैं? सर कितने भी रह सकते हैं। एक ही रहेगा क्या? नहीं, कितने भी रह सकते। उसके अंदर पैसा कौन कौन लगाएगा? सर कम बिजनेस तो दादाजी ने चालू किया था, अब हमेशा सिर्फ दादाजी पैसे लगाएंगे ऐसा नहीं है, सारे लोग पैसे लगाते हैं, करता एंड अदर को पार्टनर्स। पक्का पक्का सपोजिंग नहीं, दादाजी को और दो तीन ब्रांचेस डालने के। देखो मेरे को एक बात बताओ, अपन ने बोला था ना अपन प्रॉफिट शेयर करेंगे, किसके किसके साथ में? दादाजी प्रॉफिट शेयर कर रहे थे, उनके जो बच्चे थे मतलब उनके पूरे परिवार के लोगों के साथ में प्रॉफिट शेयर कर रहे थे। 10,000 एक बच्चे को देते थे, 10,000 पूरा कंज्यूम हो जाता है। उन्होंने नहीं, सेविंग्स भी तो होती ना, तो वो सेविंग्स को यूटिलाइज कर सकते वो बिजनेस के अंदर। पक्का पक्का ये समझा क्या आपको? यस, पूरा क्लियर हुआ माइंड में? यस। पार्टनरशिप फर्म के अंदर पैसा कौन कौन लगाता है? पार्टनर्स, सिंपल। दो, मिनिमम दो या दो से ज्यादा लोग, लेकिन मैक्सिमम कितने लोग रहेंगे? 50। पक्का पक्का यस। थर्ड, सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न के अंदर पैसा सिंस एक ही आदमी लगा रहा है तो प्रॉफिट हुआ तो वो किसका रहेगा? अकेले आदमी का, उसके रहेगा ना। यस, पार्टनरशिप सॉरी जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के अंदर कैसा रहता था? पैसा कौन कौन लगाता था? पैसा कौन लगाता था? सारे के सारे लोग। प्रॉफिट किसका रहता था? सबका। पक्का पक्का यस। पार्टनरशिप फर्म के अंदर वैसे पैसा भी सारे लोग लगा रहे, सारे पार्टनर्स लगा रहे, प्रॉफिट हुआ तो सारे के सारे पार्टनर्स करेंगे, तो वो कौन से रेशियो में रहेगा? एक स्पेसिफाइड डिसाइडेड रेशियोज के अंदर रहेगा। पक्का, डिसीजन मेकिंग। सोल प्रोप्राइटर के अंदर कौन डिसीजन लेता? अकेला आदमी, सिंगल पर्सन, उसका नाम क्या है? सोल ट्रेडर, वो खुद ही डिसीजन लेता। एचयूएफ के अंदर कौन डिसीजन लेता है? एचयूएफ बोले तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के अंदर पैसा अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, वैसे जो भी है यार, मेरे को दोनों नाम जम्बल होते हैं। कौन पैसे लगाता है? कौन पैसे लगाता है? सारे के सारे लोग। लेकिन डिसीजन मेकिंग का पावर किसका है? द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ, इतना पूरा का पूरा नहीं बोलना, बोला कर्ता के पास में डिसीजन मेकिंग का पावर है। क्या वो बाकी लोगों के साथ में एक वो करेगा क्या मतलब डिस्कशन करेगा, लेकिन फाइनल डिसीजन किसका रहेगा? कर्ता का। पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर पैसा किसने लगाया? सारे लोगों ने। डिसीजन भी किसका किसका रहेगा? सारे लोगों का रहेगा। पक्का पक्का, देखो सब सबके अंदर आ रहे हैं, सारे के सारे पॉइंट अपने इंडिविजुअल पढ़े हुए हैं उसके अंदर, ठीक है। दूसरा, सेपरेट एक्ट। हाँ मेरे, अभी आप बताओ, क्या सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न के लिए कोई स्पेशल कानून, स्पेशल एक्ट है क्या? नहीं। लेकिन क्या उसको रेगुलर कानून अप्लाई होते हैं क्या? सर रेगुलर कानून मतलब कौन से वाले? अरे रेगुलर कानून मतलब ये नहीं क्या, इनकम टैक्स एक्ट हो गया, जीएसटी एक्ट हो गया, ये लॉ ऑफ लैंड बोलते हैं इसको। लॉ ऑफ लैंड मतलब क्या? आप अगर आपको गाड़ी चला रहे तो आपको हेलमेट पहनना जरूरी है, आपको सिग्नल पर रुकना जरूरी है, ये क्या है? लॉ ऑफ लैंड है, लॉ ऑफ लैंड। ये मतलब इंडिया की टेरिटरी के अंदर अगर आपको रहने का तो ये नियम कानून मतलब पालन करने ही पड़ेंगे। ये गरीब के लिए भी अप्लाई है, अमीर के लिए भी अप्लाई है। ऐसा कभी हुआ क्या अमीर लोग हाईवे पे रुकते, मतलब हाईवे पे नहीं, ट्रैफिक सिग्नल पे रुकते नहीं? नहीं, उनको भी रुकना पड़ता है। उनके लिए ऐसा है क्या, उनको हेलमेट पहन के रहना पड़ता है क्या? सर लेकिन सर कौन पहनता? नियम तो है ना बच्चा, बस बहुत सारे लोग बहुत सारे नियम रहते हैं, फॉलो करते नहीं करते, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ठीक है, लेकिन करना चाहिए, ठीक है। दूसरा, अच्छा अपन सेपरेट एक्ट बोल रहे थे ना, क्या एचयूएफ के लिए कोई सेपरेट कानून है क्या? यस, हिंदू सक्सेशन लॉ एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट। साल कौन सा था? साल था 1956। यस सर, इसको आपको कैसे याद रहते? बार बार पढ़ के, सिंपल, ठीक है। मेरे को एक बच्चा पूछता, सर ज़्यादा मार्क लाने के लिए बताओ ना क्या करना चाहिए? ज़्यादा पढ़ना चाहिए, सिंपल, ठीक है। सेपरेट एक्ट इसको रहता है क्या? और लास्टली पार्टनरशिप फॉर्म को भी रहता है क्या? यस, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये आजादी के पहले पास हुआ था। सर इसको निकाल नहीं दिए इसको, ठीक है ना, कुछ कुछ चीज़ें अच्छी भी करके गए ना अंग्रेज पैसा। दूसरा, बिजनेस सीक्रेसी। सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न में सीक्रेसी हाई हाई, मतलब मेरे को लगी नहीं, हाई बोले तो हाई है, हाई। दूसरा, एचयूएफ के अंदर सीक्रेसी ज़्यादा रहती कम रहती? ज़्यादा रहती। किससे ज़्यादा रहती? सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न से थोड़ी सी ज़्यादा रहती, नहीं कम रहती। कम क्यों रहती है बेटा? देखो आज तो हम सब साथ में, आगे चल के सपोज हमारे परिवार के अंदर दरार होगी तो सीक्रेट्स हमारे अंदर के रिवील हो जाएंगे, बाहर के लोगों को पता चल जाएंगे। दूसरा, हमारी छोटी चाची जी अभी आई, हमारे घर की बातें उधर के उधर, हमारे घर की बातें सब उधर करती, सीक्रेसी कम है ना। क्या होता है, छोटे चाचा चाची के साथ में पूरे के पूरे टॉपिक्स को शेयर करते, चाची अपने भाई के साथ में मस्त शेयर करती, हमारी इसमें सीक्रेसी रहती क्या? नहीं, ठीक है। पक्का पक्का, पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर सीक्रेसी सबसे कम रहती है, सबसे कम मतलब अभी तक के तीन में से कम रहती है। आगे कंपनी जब पढ़ाऊंगा, कंपनी तो उसमें से भी कम रहती है, बिकॉज पैसा किसी और का लगे हुआ है, कंपनी को चला रहा कोई और। और दूसरा भी आपको बताऊंगा मैं, जो डायरेक्टर रहते ना, जो मैनेजर रहते, एक आदमी 20 कंपनी के अंदर डायरेक्टर बन सकता है। ओह क्या बोला सर आपने, एक आदमी जो कंपनी को मैनेज कर रहा है ना, वो एक कंपनी के साथ में और 20 कंपनी के अंदर डायरेक्टर मैनेजर बन सकता है। अच्छा, ऐसा अलाउड है क्या? अरे बिल्कुल अलाउड है, डायरेक्टर्स की बहुत डिमांड है, बोला बहुत बहुत कमाते हो, ठीक है। पक्का समझा, सीक्रेसी कंपनीज में तो बहुत ही कम है, पार्टनरशिप फॉर्म में थोड़ी सी उससे ज़्यादा, लेकिन सोल प्रोप्राइटर में सबसे ज़्यादा, उसके नीचे
ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, उसके नीचे पार्टनरशिप फर्म, पक्का पक्का, यस लाइबिलिटी इज, यस मेरे को आप बताओ, क्या बताओ, सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न के अंदर लाइबिलिटीज अनलिमिटेड थी कि लिमिटेड थी? सर रुको, अनलिमिटेड, अनलिमिटेड मतलब मैंने आपको बताया था ना, ये अनलिमिटेड का मतलब समझा ना, मैंने बहुत बार बोल दिया है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या, अगर बिजनेस के असेट्स सफिशिएंट नहीं है, बिजनेस का पैसा सफिशिएंट नहीं है, तो हम उसके घर में से पैसा लाएंगे और बाहर के लोगों को पेमेंट करेंगे। हाँ ऐसे ही था ना यार, आपको भरोसा नहीं क्या, ऐसे पॉइंट आओ, ठीक है। इसके अलावा इसके अलावा इसके अलावा सेकंड पॉइंट बता दें, सोल प्रोप्राइटर HUF के अंदर, HUF के अंदर दादाजी की लाइबिलिटी अनलिमिटेड, दादाजी मतलब दादी भी रह सकती है, दादाजी अगर भगवान को प्यारे हो गए तो इनका क्या बोलते हैं, उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड, बाकी के लोगों की लाइबिलिटी लिमिटेड, पक्का पक्का, यस रीज़न भी मैंने बता दिया। उसके बाद में क्या होता, लास्ट पॉइंट, पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है? अनलिमिटेड है। एंड वो उसके अंदर और भी कुछ तो भी शब्द बोला था, इट इज़ जॉइंट एंड सेवरल, जॉइंट का मतलब भी बोल दिया, सेवरल का मतलब भी बोल दिया, पक्का पक्का, यहाँ तक समझा क्या आपको? मैं बार 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 क्या बोल रहा हूँ, देखो अभी ये टॉपिक ना कभी कभी कुछ नवे नवे टॉपिक्स हैं, मैं मेरी फुल कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ जाए, मतलब वैसे समझ में ही आ रहे होंगे, लेकिन कुछ ना पॉइंट ना अभी नहीं समझ में आते, धीरे 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 आपका जैसे टाइम नंबर बढ़ते जाएंगे ना, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, पक्का पक्का। अकाउंट्स के अंदर भी वैसे ही होगा, मेरे टॉपिक्स के अंदर भी वैसे ही होगा, अकाउंट्स का जनरली प्रैक्टिकल ज़्यादा है ना, तो वो धरती से समझ में आता है, नंबर सीखते ना, और नंबर तो अपन बचपन से खेलते आ रहे, पक्का पक्का, तो वो टॉपिक के अंदर ग्रिप बहुत ज़्यादा फास्ट जल्दी आ जाती है, मेरे टॉपिक्स के अंदर धीरे धीरे आएंगे, लेकिन फिर मेरे आप जब आएंगे ना तो वो अकाउंट से भी भारी आएंगे, पक्का पक्का, यस मैं करूँ सेशन को यहाँ पे एंड, पक्का पक्का सर आप कितनी बार पक्का बोलते हैं, चलो मैं यहाँ पे सेशन को एंड करता हूँ और अपन कल मिलेंगे, पक्का, चलो बाय बाय, टेक केयर।